सॉफ्टी राइड फुल पावर है और चलते हैं बिरला और बायड़ा फ्लाईओवर में। और मैं अभी चल रहा हूँ क्रूज कंट्रोल पे अपनी ओला S1 Pro लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बॉयज। हम लोग पहुंच गए हैं वास्को में। इधर से बिरला टेंपल अराउंड 6-7 किलोमीटर्स है, पर हम लोग को पहले इधर जाने का है बायड़ा फ्लाईओवर में, क्योंकि उधर रात को व्यू अच्छा नहीं आएगा और दिन को बिरला का मंदिर का व्यू अच्छा नहीं आएगा। तो हम लोग को दिन में फ्लाईओवर देखने का है और रात को जो लाइटनिंग पड़ती है ना बिरला टेम्पल में वो देखने का है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं बायड़ा फ्लाईओवर में और इधर जो व्यू है ना वो माशाल्लाह अलग ही लेवल का है। पूरा बीच है, ये नया बंधा हुआ है, रिसेंटली डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, और जो भी कोई इधर आना चाहेगा ना वो आके इधर अमेजिंग व्यू का मज़ा ले सकता है। इट्स 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम विच इज़ मापसा। ये देखो गाइस इधर बीच का व्यू ही अलग है, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। देखो दिस इज रियली अमेजिंग, मेस्मराइजिंग। देखो गाइस रियली अमेजिंग है, पीसफुल है एरिया ये। जाओया मरे हंगार, तो बीच व्यू है था। लागी लागी देखो ना। तो हैव अ लुक एट दिस गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन गोवा विच इज बायड़ा फ्लाईओवर, नोन एज बायड़ा बीच ऑफ वास्को। तो गाइज हम लोग अभी वास्को में हैं और इधर का जो बीच है और फ्लाईओवर है, और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ओला सब पार्क्ड हुई है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस गाइज, वी आर एंजॉयिंग अ लेवल बेस्ट। हाँ यस ब्रो वेट। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस गाइज, वी यूज टू कम बिफोर एंड दैट टाइम इधर वो फ्लाईओवर नहीं था, सीधा बीच पे एंट्री मिलता था, पर अभी फ्लाईओवर बन के कुछ अलग ही लेवल है, इधर अलग ही दिख रहा है कुछ। हाँ मैस्मराइजिंग व्यू और अपने ओला राइडर्स। तो गाइज आई एम प्लानिंग टू अपग्रेड माई ओला S1 Pro विथ सम कस्टम ग्राफिक्स एंड व्हील्स। तो दिस इज रियली नाइस गाइज, और जो हम लोग ओला लेके आए हैं ना इधर, और कॉस्टिंग भी नेक्स्ट टू ज़ीरो है, क्योंकि एक बाइक चार्ज करने का हार्डली 15 रुपीज़ लगता है। तो हम लोगों ने 15 रुपीज़ में देखो कितना ट्रैवल किया है, 120-140 किलोमीटर्स आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और इट्स रियली नाइस, कॉस्टिंग इज़ रियली ज़ीरो, पेट्रोल का सेविंग। मैंने तो बाइक अपना 15,000 किलोमीटर्स चलाया। तर दादा तुम्ही आपल्याला गाडीच्या बद्दल काहीतरी सांगू शकता का की किती किलोमीटर चालवली? मी गाडी घेतली आता 70 days झाले, हो ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर चालवली। ओके, आणि काय एक्सपिरियन्स आहे तुमचा गाडीचा? खूप छान एक्सपिरियन्स आहे गाडीचा, आणि पेट्रोलपेक्षा खूप चांगला आहे, आणि इकॉनॉमिकली बघायला तर खूप स्वस्त आहे, कारण 450 किलोमीटर म्हणजे 5 वेळा चार्ज केली असेल, 100 times, हो मग 5 वेळा चार्ज करून तरी 500 म्हणजे 45 रुपीजमध्ये 450 किलोमीटर, हो नेक्स्ट येस व्हेरी लेस। तो ॲव्हरेज 0.13 पैसा और 14 पैसा पर किलोमीटर, येस पैसा। हां which is if you go for a petrol the costing will be go more than for this 450 km more than 3,000-4,500 yeah in terms of petrol, yes, and there is no expenses, काही खर्चच नाही याच्यामध्ये, खर्चच नाही, फक्त हवा भरा आणि चालवा। हो तर बघू शकता तुम्ही, आणि दिस इज व्हॉट ओला राइडर्स दे टॉक अबाउट ओला, एंड अभी तक तो कुछ खर्चा आया ही नहीं है, मेरे को भी तो कुछ खर्चा नहीं आया है,
सो आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग यूनिक विद द बाइक, कुछ अच्छा रैप करने का सोच रहा हूँ, वो ज़्यादा जगमगा वो नहीं चाहिए, कुछ अलग ही करते हैं, लेट्स सी। तो गाइज आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये वास्को का जो एरिया है विच इज़ रियली नाइस, और इधर का जो व्यू है वो तो एक नेक्स्ट ही लेवल का है, ये देखो बहुत अच्छा दिखता है। तो अभी हम लोग इधर से ट्रैवल करके बिरला टेम्पल पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रैवलिंग ही हम अराउंड 18 किलोमीटर है इधर से, तो इधर से अभी हम लोग ट्रैवल करके बिरला का टेम्पल देखने वाले हैं और उधर से बाद में सीधा घर। तो हमारा बाइक का मैं थोड़ा अपडेट दे देता हूँ कितना किलोमीटर चलाया है मैंने आज। तो ये देखो गाइस, जब मैंने स्टार्ट किया था तभी ज़ीरो था, अभी 78% बैटरी है और मैंने 57 किलोमीटर चलाया है गाड़ी आज। तो आज कंटिन्यू करते हैं अपना राइड, चलते हैं आगे, देखते क्या है नया।